ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ के हॉस्पिटल दक्ष में कल एक ताड़ापाड़ा की महिला शकुंतला खटकर को एयर गन से गोली लग गई थी। गोली लगते ही उसके घर वाले उस महिला को आनंद फानन में हॉस्पिटल लाए, जिसके गाल वाले हिस्से में गोली लगी हुई थी, जिसे तुरंत 60 डॉक्टरों की एक टीम बनाकर महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर गोली को निकाला गया और जान बच गई। बता दें कि वहीं घर वाले की माने तो महिला शकुंतला खटकर जो कि छत पर सुबह 9 बजे के आसपास बंदर भगाने गई थी और उसकी बेटी द्वारा नीचे से बंदर भगाने के लिए एयर गन से हवाई फायरिंग कर रही थी, तभी अचानक महिला के गाल पर गोली जा घुसी, जिसके बाद उसे दक्ष हॉस्पिटल लाया गया और सफलतापूर्वक गाल में लगी गोली को निकाला गया, जिसके बाद महिला की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। वहीं उसके घर वाले द्वारा डॉक्टरों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सुबेरे 9:30 बजे की लगभग की घटना है। मेरी मंझली वाली गुड़िया बंदर को इधर उधर कूद रहा था तो उन्हें भगा रही थी। मेरी मिसेस जो है ऊपर छत में बंदर भगा रही थी और इसी बीच में बंदर भगाने के प्रक्रिया के तहत मेरी गुड़िया जो है बंदर भगाने के लिए एयर गन को हवाई फायर कर दी, जिससे क्या है मेरी जो मिसेस हैं ऊपर टहलती हुई उसी के माने सीध में आ गई और जो बंदर भगाने वाली जो माने हवाई फायरिंग थी उसमें माने उसके चपेट में आ गई और उन्हें गोली लग गई। ये घटना लगभग सवेरे 9:30 बजे की लगभग की है। अभी स्थिति कैसी है? यह है जानकारी होने पर बिल्कुल उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल दक्ष में मैंने दाखिल किए और यहाँ डॉक्टर जयसवाल सर ने बहुत अच्छी सेवा भाव से मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट किया और आज उनका मैंने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए, जिससे वो उनका ऑपरेशन सफल रहा और वो कुछ पहले से बहुत ही कुछ आरामदेह स्थिति में हैं। मैं तहे दिल से डॉक्टर जयसवाल सर एवं डॉक्टर गुप्ता सर को सद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी मिसेस को नया जीवन दान दिया। मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पेशेंट वो 40 ईयर्स फीमेल थी, उसको गोली लगी थी, काफ़ी डीप में थी, वो उसको पूरा बेहोश करना बहुत ज़रूरी था, तो यहाँ सुविधा होने के कारण हम लोगों ने उसको पूरा बेहोश कर दिया और पूरी तरह से वो बुलेट निकाल दी गई। अभी पेशेंट की कंडीशन भी अच्छी है, ठीक है, आउट ऑफ एनेस्थीसिया है, आउट ऑफ डेंजर है। ओरल सर्जन हूँ और मैं दक्ष हॉस्पिटल का आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे डॉक्टर मांडवी जायसवाल और डॉक्टर ओमकार सर ने जो मुझे सर्जरी के लिए केस के लिए अपॉइंटमेंट किया है यहाँ पे। यह कंडीशन क्रिटिकल थी, पेशेंट का जो राइट साइड का फेस था उस पर बुलेट जाके लगी थी एयर गन के द्वारा और वो काफ़ी अंदर तक पहुंच गई थी। हो सकता था वो कान में जा सकती है, हो सकता है वो आंख में जा सकती है। तो यह सफल ऑपरेशन दक्ष हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, जहाँ पे आपका एक्सरे जो यहाँ पे मेन चीज़ थी, बिना एक्सरे के हम नहीं कर सकते थे, वो सबसे ज़रूरी चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो क्रिटिकल केयर डॉक्टर विमलेश सर देख रहे हैं, विलास सर देख रहे हैं, वो उनके द्वारा जो एनेस्थीसिया दिया गया वो हमारी एकदम हमको करने में एकदम आसानी हो गई। यह ऑपरेशन में कम से कम 2-3 घंटे निकला। आप देख सकते हैं बुलेट कितनी छोटी सी है और इसको ढूंढना, गाल में अंदर ढूंढना, ये बहुत मुश्किल था। तो यह गंभीर ऑपरेशन सफल हुआ कि हमारे पास इतना इक्विपमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं, यहाँ पे सर्जन सर हैं, यहाँ पे मैम है, यहाँ पे बहरा सर हैं, यहाँ पे और मैं डॉक्टर मदन पाची का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको ये सुविधा दी कि हम ये ऑपरेशन कर सकें। अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट की कंडीशन पहले से तो ठीक है, मतलब पहले जब आई थी तब वो क्रिटिकल थी, अभी धीरे से जैसे दवाइयाँ चल रही हैं और ऑपरेशन हो गया है तो 48 आवर्स तो ऑब्जर्वेशन पे ही रखेंगे कि कैसा है, फिर उसके बाद देख के ही अगर वो ठीक होती है तो फिर 2-3 दिन में डिस्चार्ज करेंगे। महिला आई थी जिसके गाल वाले हिस्से पे गोली लगी थी और वो काफ़ी डीप पहुंच गया था गाल को छेदते हुए, जिसका आज सफल ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन डॉक्टर मांडवी जायसवाल के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई, जिसमें 7 डॉक्टर थे, हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर मदन निरपाची,
डॉक्टर मांडवी जायसवाल, क्रिटिकल केयर डॉक्टर बिलास, हमारी हॉस्पिटल की शान डॉक्टर बेहरा सर, डॉक्टर राय सर और मेन सर्जन थे उसमें डॉक्टर सुशांत सर, सुशांत गुप्ता सर, डॉक्टर आनंद सर, इतने लोगों की टीम थी और सफल की गई, अब सफल हो गई ऑपरेशन जो है। मरीज काफ़ी खतरे में था, जिंदगी और मौत से लड़ा है, मौत से लड़ा है मरीज जो है, अभी खतरे से बाहर है। 48 घंटा इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे इसके संबंध में जो है कि आगे क्या रहेगी इनकी स्थिति।